तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त रहो, शानदार रहो, जबरदस्त रहो। तो दोस्तों, अभी करण लूथरा अपनी सारी प्रॉपर्टी को अंशुमन पांडे को देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि अब करण लूथरा जो पहले था, उसका जो नाम चल रहा था, उसने अपने मुंह से ये बोला कि मैं करण लूथरा हूँ। और मुझे प्राउड फील होता था कि मैं इस एरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, करण लूथरा परिवार, और मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, और मैं था भी। लेकिन मैं अभी सबसे नीचे गिर चुका हूँ। राजवीर को अंशुमन पांडे ने फिर से जेल भेज दिया, और जेल के अंदर सौर्या और राजवीर दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। अब दोनों भाई भाई बहुत लड़ाई करता है। लड़ाई इसलिए होता है कि वो जो है ना, दोनों आपस में ये सुनना नहीं चाहता, ये इसकी बुराई करता है, वो इसकी बुराई करता है, जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होता है। अभी जो है करण, पहले प्रीता और करण जेल गया प्रीता सौर्या और राजवीर से मिलने के लिए। जब वो उनसे मिलने के लिए गया ना, तो प्रीता घर से खाना बना कर लेके जाती है कि सौर्या और राजवीर को खिला देंगे। लेकिन वहाँ पर जाते ही सौर्या और राजवीर खाना नहीं खिला खिलाने के लिए, तो सॉरी यार, मैं तो फिर थोड़ा अलग राह पे चल गया मेरा ध्यान। प्रीता खाना लेकर जाती है तो सौर्या को बोलता है कि सौर्या तुम खाना खाओगे, लेकिन सौर्या खाने से मना कर देता है। बोलता मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा नहीं हूँ। प्रीता कहती है मैंने तुम्हें एक ही बात बोला है, मैं खाना लेकर आई हूँ तो तुम्हें खाना है। मैं ये नहीं सुनने के लिए आई हूँ कि तुम भूखे हो या नहीं हो। तो राजवीर बोलता है कि मैं तुम लोगों का खाने के लिए भूखा नहीं हूँ। तुम लोगों ने क्या किया मेरे लिए? इतने दिन से मैं जेल के अंदर हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश नहीं किया और ना ही मुझे बाहर निकाल पाया। दोस्तों, इस बात को लेकर ना राजवीर खुद काफ़ी परेशान है, और वो अपने आप में एक बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा है कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया। और अंशुमन पांडे ने कहा कि अगर दोनों बेटे को अगर आप बाहर देखना चाहते हो, जेल के बाहर आ जाए, तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करना पड़ेगा। तो फिलहाल करण सारी प्रॉपर्टी को उसके हवाले करने के लिए तैयार भी हो गया। प्रीता कहती है कि करण तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा दिल कैसा है, जिसके लिए तुमने अपनी हाथ काट दिया, जिसको बचाने के लिए तुमने अपनी दो दो बार खून दान कर दिया, और तुमको उसने मारने के लिए गुंडे तक लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गए, और तुम अपने जान से ज़्यादा उसको चाह रही हो। थैंक्स गॉड, हर किसी को ऐसा बाप मिले और इतना सपोर्ट मिले। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहो, आप लोग देखते रहो, ताकि आने वाला हर एक अपकमिंग सीरियल आप लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें और मौज मस्ती कर सकें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फोन आ रहा था इस पे।